हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने टेलर के प्रिंसिपल्स सारे के सारे रीड कर लिए थे। अब हम लोगों को रीड करना है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है? होप सो आपने टेलर के सारे प्रिंसिपल्स हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में रीड कर लिए होंगे। अगर नहीं रीड किए हैं तो बेटा उनको रीड कर लीजिए, बिकॉज जब तक आप प्रिंसिपल्स नहीं समझेंगे, टेक्निक्स को समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आने वाली है, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप सो आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी, वो सारे प्रिंसिपल्स पढ़ जाएंगे। ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं नहीं, चार प्रिंसिपल्स हैं, वो चारों प्रिंसिपल्स आपको देख लेने हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और चौथा है चौथा है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज और ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये चारों प्रिंसिपल्स जब आप देख चुके होंगे, जब आप उनको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, तो टेक्निक्स को पढ़ना और टेक्निक्स देखना कि क्या टेक्निक्स हैं। आज हम लोग इन सारी टेक्निक्स में से जो पहली टेक्निक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप। समझना इस टेक्निक को, ये बहुत आसान टेक्निक है, लेकिन थोड़ा सा इसका, ये थोड़ी लंबी टेक्निक है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कंसंट्रेशन बना के चलना और देखना कि क्या कह रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में, टेलर क्या कहना चाहते थे। फोरमैनशिप का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास में क्या होने चाहिए, तो हमारे पास में सुपरवाइजर्स होने चाहिए। और सुपरवाइजर्स कैसे होने चाहिए? फंक्शनल फोरमैनशिप कहने का मतलब हर फंक्शन के लिए एक पार्टिकुलर सुपरवाइजर होना चाहिए हमारे पास में, जो कि उस पार्टिकुलर फंक्शन, उस पार्टिकुलर वर्क के लिए वर्कर्स को क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है? तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए, हर पार्टिकुलर वर्क के लिए एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और उस इंस्ट्रक्टर से ही इंस्ट्रक्शन लेकर के वर्कर क्या करेगा, काम करेगा। तो उन्होंने एक इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क बना करके दिया टेलर ने। उन्होंने बोला कि कैसे हमारे पास में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने बोला कि देखो, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो प्रोडक्शन में अलग अलग सुपरवाइजर्स हों, और प्लानिंग के अलग अलग सुपरवाइजर्स हों, मतलब काम के हिसाब से हमारे पास में अलग अलग सुपरवाइजर्स होने चाहिए। और वो सुपरवाइजर्स क्या करेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे कि हमारा काम सही तरीके से हो, इसके लिए वो इंस्ट्रक्शन देंगे वर्कर को। और एक सिंगल वर्कर को डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज जो सुपरवाइजरी लेवल होता है वो मैनेजमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल होता है। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट लेवल, मैनेजीरियल लेवल होते हैं, उसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल जो होता है, तो जो फॉरमैन होते हैं, वो फॉरमैन जो होते हैं वो आपके लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं और हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर होते हैं। तो इससे ये होता है कि वर्कर के डायरेक्ट कनेक्शन में अगर कोई बंदा होता है तो वो होता है फॉरमैन, और वर्कर के साथ में फॉरमैन का कनेक्शन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो उनमें से ही एक व्यक्ति होता है जो कि आगे बढ़ करके प्रमोट होकर के क्या हो गया होता है, वो फॉरमैन बन गया होता है। तो वर्कर के साथ में फॉरमैन का कनेक्शन बहुत बढ़िया होता है, और उसके थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस बहुत इजीली वर्कर्स क्या कर पाएंगे, हमारे पास में वर्कर उनको फॉलो कर पाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि फॉरमैन जो होता है वो एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अलोंग सारा प्रोडक्शन और सारा प्लानिंग क्या होता है बेटा, वो मूव करता है। और अगर वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस फॉरमैन के थ्रू दिलवाया जाए तो वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। इसके लिए टेलर ने क्या किया, इसके लिए टेलर ने एक बहुत ही कंसाइज सा एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? उस स्ट्रक्चर को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। ये तो उसका बेसिक था। हमने बोला कि फैक्ट्री सिस्टम में जो फॉरमैन होता है, वो फॉरमैन जो होता है वो मैनेजीरियल लेवल का फेस होता है, क्योंकि वो एक वर्कर टर्न्ड मैनेजर होता है, ठीक है? वो एक मैनेजीरियल फेस होता है जो कि वर्कर के साथ हमेशा फेस टू फेस होता है डेली बेसिस पे। और अगर वो वर्कर के साथ डेली बेसिस पे फेस टू फेस है, तो वर्कर्स को सबसे बढ़िया इंस्ट्रक्शन अगर कोई दे सकता है तो वो कौन दे सकता है, वो फॉरमैन दे सकता है। बोलता है ही इज द पाइवट, पाइवट का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट, हु अराउंड होम रिवॉल्व्स द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। जो टोटल प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फॉरमैन के आसपास ही क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो टेलर का कंसंट्रेशन क्या था, टेलर ने बोला कि अगर हमें फैक्ट्री लेवल पे परफॉर्मेंस को सुधारना है और परफॉर्मेंस को बढ़िया करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉरमेंस और सुपरवाइजर्स को बढ़िया रखना पड़ेगा, जो कि उस फिट करें, उस पार्टिकुलर वर्क एरिया में फिट करें, और जो कि लोगों को प्रॉपरली, वर्कर्स को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट कर पाए। और इसके लिए इन्होंने एक फंक्शनल फोरमैनशिप का पूरा मॉडल बना करके दिया हम लोगों को, वो मॉडल समझना है। तो उस मॉडल के अंदर टेलर ने क्या बोला, आइए वो हम लोग डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। टेलर ने क्या मॉडल दिया, तो टेलर ने एक मॉडल दिया,
उन्होंने बोला कि फैक्ट्री सिस्टम में हमारे पास में दो अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए, और वो दो अलग अलग फंक्शंस उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहला बोला कि हमारे पास में एक प्लानिंग फंक्शन होगा और दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास में दो क्या हो जाएं, दो वर्किंग एरियाज होने चाहिए, एक प्लानिंग का वर्किंग एरिया होना चाहिए और दूसरा प्रोडक्शन का वर्किंग एरिया होना चाहिए, और प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों के वर्किंग एरिया के अंदर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट फोरमैन होने चाहिए, जो कि अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इन टोटलिटी उन्होंने फैक्ट्री शॉप फ्लोर को दो डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा। पहला सेगमेंट उन्होंने बोला कि प्लानिंग सेगमेंट है, और दूसरा सेगमेंट उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूशन सेगमेंट है या प्रोडक्शन सेगमेंट है, जहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा है, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लस प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फोरमैन्स को यहाँ पे लगाया या सुपरवाइजर्स को लगाया, और सबका अलग अलग काम यहाँ पे आएगा, सब लोग अलग अलग काम करने वाले हैं। उन्होंने बोला प्लानिंग के अंदर हमारे पास में चार सुपरवाइजर्स होने चाहिए, और प्रोडक्शन के अंदर भी हमारे पास में कितने सुपरवाइजर्स होने चाहिए, तो चार सुपरवाइजर्स होने चाहिए, और सबका वर्क क्या होगा, सबका वर्क अलग होगा, लेकिन ऑल द सुपरवाइजर्स, ऑल दीज 8 सुपरवाइजर्स विल इंस्ट्रक्ट द वर्कर, और वो आठों सुपरवाइजर क्या करने वाले हैं, तो वो वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेंगे। मींस अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप अ वर्कर हैज टू गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दीज 8 डिफरेंट फोरमैन्स और सुपरवाइजर्स हु आर बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, वन इज प्लानिंग एंड द अदर इज प्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, यू कैन से डुप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा। तो हमने जो सर पहले एक वो पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, तो जो हमने फ्यूल के प्रिंसिपल में सर हमने पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, तो हाँ बेटा ये वाला जो प्रिंसिपल है फंक्शनल फोरमैनशिप का, वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, क्योंकि यहाँ वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था कि वन सुपीरियर शुड गिव इंस्ट्रक्शन टू ओनली वन सबऑर्डिनेट, और यू कैन से वन सबऑर्डिनेट कैन गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, बट यहाँ पे अ पार्टिकुलर सबऑर्डिनेट अ वर्कर इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। तो हाँ जी यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत है, यहाँ पे हम लोग जो टेलर यहाँ पे प्रोपोंड करते हैं वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, उसको यहाँ पे शो नहीं करता है। तो खैर टेलर ने यहाँ पे इसलिए बोला बिकॉज अगर हमारे पास में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोग होंगे तो हमारे पास में वर्क बहुत इजीली और आसानी से हो जाएगा, और क्योंकि सब लोग अपने फंक्शनल एरियाज में स्मार्ट होंगे तो काम आसानी से कंप्लीट हो सकता है और काम में एफिशिएंसी आएगी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इन्होंने जो 8 फॉर्मेंस बताए हैं उन फॉर्मेंस का क्या काम है और वो किस लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, प्लानिंग के अंदर जो सबसे पहला फोरमैन है उसको इन्होंने बोला कि वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है कि वो इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करेगा और उसे कार्ड के फॉर्म में हर पार्टिकुलर वर्कमैन के इंस्ट्रक्शंस को लिख के रखना है और उनको पास ऑन करना है कि उन्हें काम कैसे करना है, ठीक है। सेकंड है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क प्रोडक्शन का रूट बताएगा कि कैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस में आएगा, कैसे मशीन्स चलेंगी, वर्कर्स कहाँ पे खड़े होंगे, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा, ये काम है रूट क्लर्क का। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है, इनका काम है कि ये कॉस्ट को बनाएंगे, कॉस्ट को प्रिपेयर करेंगे, बजट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, टाइम शीट बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि किस तरीके से कौन सा काम कितने पैसे में और कितने समय में कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन जो सुपरवाइजर है ये ओवरऑल डिसिप्लिन इंश्योर करेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें सारी चीजें एटमोस्ट अपने प्लेस पे है कि नहीं है, ये इंश्योर करने का काम किसका है, ये इंश्योर करने का काम डिसिप्लिनेरियन का है। तो ये चारों लोग किसको एडवाइस करेंगे, किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, इनका इंस्ट्रक्शन फ्लो करेगा वर्कमैन की तरफ, ठीक है।
फिर वैसे ही प्लानिंग इन चार्ज के बाद अब एक्चुअली एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तो हमारे पास में अब कौन सा है, तो प्रोडक्शन इन चार्ज होगा एक, और उस प्रोडक्शन इन चार्ज के अंदर चार अलग अलग और सुपरवाइजर काम करेंगे, फॉरमैन काम करेंगे। पहला उनमें से है स्पीड बॉस, दूसरा गैंग बॉस, तीसरा रिपेयर बॉस और चौथा इंस्पेक्टर। ठीक है, स्पीड बॉस ये इंश्योर करेगा कि जो वर्क टाइम दिया गया है काम करने का, उस वर्क टाइम के विदीन में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैंग बॉस ये देखेगा कि जो मशीन्स है वो मशीन्स प्रॉपरली वर्क के लिए रेडी है कि नहीं। रिपेयर बॉस ये देखेगा कि इन केस कोई मशीन में कोई खराबी आ गई है, कोई वियर एंड टियर है, तो उसको किस तरीके से प्रॉपरली ठीक करके वर्कर्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसको रेडी किया जाए। और इंस्पेक्टर का काम है, जैसे डिसिप्लिनेरियन का काम था ओवरऑल इंश्योर करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसे ही इंस्पेक्टर का काम है वर्क फ्लोर पे आकर के ये इंश्योर करना कि ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, ओवरऑल वर्क एरिया ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, और जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोगों ने देखना है। ये बातें आपकी कहाँ लिखी हुई हैं, तो ये सारी बातें आपकी पैराग्राफ्स के अंदर लिखी हुई हैं। आइए हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो बोलता है प्लानिंग इन चार्ज के अंदर हमारे पास में चार लोग हैं, पहला इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन, और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उनका काम यहाँ पे दिया हुआ है। दीज फोर पर्सनस वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम हो गया इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करना, स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, ये काम हो गया किसका, तो ये काम हो गया रूट क्लर्क का, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, ये काम हो गया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का, एंड इंश्योर डिसिप्लिन ओवरऑल, ये काम हो गया डिसिप्लिनेरियन का। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर जो चार लोग हैं उनका क्या क्या काम है, तो देखिए स्पीड बॉस का काम है कि हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, ये स्पीड बॉस का काम है। कीपिंग द मशीन्स एंड टूल्स रेडी, ये गैंग बॉस का काम है। ठीक है, रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय वर्कर इंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, ये रिपेयर बॉस का काम है। एंड क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना इंस्पेक्टर का काम है कि वर्क सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो गुड्स बनाए जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं कि नहीं, ये चेक करना इंस्पेक्टर का काम है। ठीक है, और जब ये आठों लोग अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करेंगे और इनके इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फ्लो करेंगे वर्कर्स तक, देन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। आगे बोलता है फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है, तो फेओल का जो प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, ये इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। बट हाँ, यहाँ पे फेओल का जो दूसरा प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल कौन था, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल जो है ये यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, बिकॉज एक वर्कर को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा लेआउट है, जब भी आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप लिखने के लिए आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डायग्राम अपने पेपर में ड्रॉ करके आए। ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के आंसर को आपको और ज्यादा कमांड मिलेगा और आपके मार्क्स अच्छे होने के चांसेस हैं। प्लीज आप इसको ड्रॉ करके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो आगे टेलर ने बोला कि एट फॉरमैन्स हैं जो वर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देंगे और वर्कर्स को उन वर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। साथ के साथ उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये बोला कि फॉरमैन के पास कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट जो बात कही वो हम लोग यहाँ पे इसको टिक करके चलते हैं। बहुत सारे इन्होंने फॉरमैन्स के बहुत सारे डिफरेंट उनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उन एट्रीब्यूट्स के बारे में बोला है। तो क्या बताया टेलर ने, टेलर ने बोला कि फॉरमैन इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको अपने फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टैक्टफुल एंड ग्रेटफुल होना चाहिए, उसको अपने उसको जजमेंट करनी आनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने हैं, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एक है मैनुअल डेक्सटेरिटी। मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब बेटा नोट कीजिएगा,
मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि उसके पास ये गुण होना चाहिए कि उसको अपने हाथ से काम करना आए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन हु इज इंस्ट्रक्टिंग द वर्कमैन दैट सुपरवाइजर हु इज इंस्ट्रक्टिंग द वर्कमैन शुड ऑल्सो नो हाउ टू डू दैट पार्टिकुलर वर्क. इन केस अगर वर्कमैन वो काम नहीं कर पा रहा है तो सुपरवाइजर उसको वो काम खुद से करके दिखा पाए, उसके पास में इतना इंटेलिजेंस और इतना मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि ये गुण होना चाहिए कि वो अपने हाथ से उन काम को करके दिखा पाए. अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शनल फॉरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और टेलर का ये कहना है कि ये जितने भी आपके पास में एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स एक व्यक्ति में होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारे पास में मल्टीपल सुपरवाइजर्स होना चाहिए ताकि हमारा वर्क प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से चल पाए. तो फंक्शनल फॉरमैनशिप अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है तो इससे डिविजन ऑफ वर्क का फ़ायदा मिलता है और वर्क बहुत आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव किया जा सकता है. होप सो आपको ये वाला प्रिंसिपल टेक्निक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके सामने आएंगे. टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपको लगता है कि ये आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन क्लासेस को देखने के लिए मोटिवेट करें. Till the next video comes, bye-bye.